हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो अभी मैं हूँ पटाया बीच, जहाँ से बीच स्टार्ट होता है, और अभी शाम को मैं यहीं पे रहूँगा। तो चलो मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो बीच है वो घुमा के दिखा देता हूँ। और देखो उस तरफ जो है ना, एकदम लास्ट में दिख रहा है ना पटाया सिटी, उस तरफ जाने से बीच ख़त्म हो जाता है। बीच उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सामने जो वॉकिंग स्ट्रीट तक ये बीच स्ट्रेच है, और यहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा 1.5 से 2 किलोमीटर इतना यहाँ से दूर है। देखो, देख के लगेगा कि यही नज़दीकी है। देखो अभी यहाँ पे कुछ कुछ वाटर एक्टिविटी भी हो रहा है, सब कोई कर रहा है, और अभी थोड़ा बारिश भी गिर रहा है। तो मैंने तो बहुत बार पटाया आया, तो इस बार भी सडनली वियतनाम से सोचा कि पटाया थाईलैंड पटाया होके उसके बाद वापस घर जाएंगे, क्योंकि अभी तो थाईलैंड का वीज़ा फ्री है, मतलब कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ पासपोर्ट लेके डायरेक्ट फ्लाइट से उतर के डायरेक्ट आप लोग चला जाओ इमिग्रेशन काउंटर में, एक महीना का वीज़ा का ठप्पा लगा के आप लोगों को एंट्री दे देगा। कुछ भी नहीं मांगेगा, आपको फ़ोटो भी नहीं चाहिए, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आप लोग जो होटल बुकिंग है और जो फंड का जो प्रूफ है वो ज़रूर साथ में रखना, क्योंकि अगर बाय चांस वो लोग पूछ लिया कि होटल का बुकिंग दिखाओ, तब आप लोगों को दिखाना पड़ सकता है। और फंड का प्रूफ भी अगर दिखाने के लिए बोलेगा तो फिर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए ये दो आप लोग एकदम साथ में रखो, और रिटर्न टिकट भी देखने के लिए मांग भी सकता है, नहीं मांग भी सकता है। आज तक तो जितना बार मैं आया कभी भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट। जब वीज़ा बना रहे लेता था तब तो डॉक्यूमेंट्स जमा कर देता था, हो जाता था। लेकिन अभी तो जो फ्री वीज़ा है, फ्री वीज़ा में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, आप लोग डायरेक्ट इमिग्रेशन काउंटर में चला जाओ, फिंगरप्रिंट लेकर फ़ोटो खींच के छोड़ देगा। तो कुछ भी ऐसा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को साथ में कैरी करना नहीं होगा। होटल बुकिंग मोबाइल से भी दिखा सकते हो, और प्रूफ ऑफ फंड जैसे कैश भी दिखा सकते हो या फिर कार्ड भी दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। और रिटर्न टिकट भी आप लोग दिखा सकते हो मोबाइल से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 30 डेज इस बार 30 डेज वीज़ा दिया है, लेकिन सुनने को आ रहा है कि 2-3 दिन में जो लोग ट्रैवल करेगा यहाँ पे उन लोगों को मिलेगी 60 डेज़ का वीज़ा। और एक बात, यहाँ पे अभी जो सामान का जो दाम है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता नहीं, एक साल पहले जब आया था तब भी इतना तो खर्चा नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार तो सब कुछ का जो दाम है बढ़ गया है, सब एक्सपेंसिव हो गया है। तो थोड़ा कैश ज़्यादा ही लेकर आना चाहिए, नहीं तो आप लोगों को कैश शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो सकता है। यही है वीज़ा के बारे में, और भी कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो वीडियो को अभी इन्जॉय करो, मैं दिखा रहा हूँ पटाया बीच। तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, तो बीच के साइड से मैं चलते चलते यहाँ पे एक टेंपल देखने को मिला, एक छोटा सा टेंपल है। और ये जो टेंपल है ये बुद्धिस्ट टेंपल है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी है इसीलिए बुद्धिस्ट टेंपल है।
और थोड़ा आगे आते ही लेफ्ट हैंड में मैं ये जगह देखा, ये जगह नया खुला है, आप लोग देख सकते हो। ये जगह बहुत ही बड़ा जगह है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, मतलब छोटा छोटा खाने का दुकान है। फ्राइडे फन लिखा है, आज फ्राइडे है इसीलिए फ्राइडे फन लिखा है। तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, आप लोग देखिए यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स का दुकान है और नॉनवेज जो खाना, जो स्टार्टर्स है वो भी आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। ज़्यादातर फ्रूट्स का दुकान है आगे, और पीछे की तरफ ये नॉनवेज स्टार्टर का दुकान है। देखो थोड़ा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। और इसके अंदर से अगर दूसरी तरफ आप लोग जाओगे ना, तो दूसरी तरफ आप लोगों को रनवे जो नाइट मार्केट, मतलब जहाँ पे वो बड़ा सा एक एयरक्राफ्ट रखा हुआ है, दूसरी तरफ जाओगे तो वो जगह मिलेगी। उधर भी आप लोगों को बहुत सारे खाने का ऑप्शन मिलेगा, मगर वो सिटी के तरफ है और ये जो जगह है ये दूसरी तरफ है। ये एक जगह नया बनाया है, यहाँ पे आप लोग आके बियर पी सकते हो, खाना भी खा सकते हो। बहुत सारे दुकान है यहाँ पे। एकदम बीच का पास ही है होटल ट्रॉपिकाना का, साथ बीच रोड में होटल ट्रॉपिकाना का पास आओगे तो ये जगह आप लोगों को मिल जाएगी। चलो आगे देखते हैं आगे और क्या क्या है। देखो यहाँ पे एक हार्ड रॉक कैफे भी है, हार्ड रॉक होटल के साथ हार्ड रॉक कैफे, यहाँ पे आके भी आप लोग खाना खा सकते हो, ड्रिंक्स कर सकते हो। मेरे पीछे जो आप लोग रोड देख रहे हो ना, ये है सेंट्रल पटाया का बीच रोड। मेरे पीछे जो रोड है इसको बोलते हैं सेंट्रल पटाया बीच रोड। और मेरे पीछे देखो यहाँ पे पटाया लिखा है, पटाया बीच। इस तरफ ही बीच है, मैं इसी तरफ से आया और अभी जा रहा हूँ इस तरफ। चलो आगे देखते हो। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ सेंट्रल पटाया फेस्टिवल मॉल, और मैं अभी मॉल के अंदर जाऊंगा, देखूंगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डोंट बाय और डोंट सेल फायरवर्क्स का जो सामान है वो सब खरीदने के लिए मना किया है, और यहाँ पे सेल करना भी मना है, आप लोग देख सकते हो। Global Fund ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาปากอกพรายด์ APTN Index Living Mall SWB Thai Nippon God Diamond ครับผม
คุณพิมพ์ชนกสุวรรณเสียร้านอาหารปีชาซีฟู้ดคุณวรชยาคิดพาวเวอร์และต่อนะคะรอดับสามวิสกี้โรพัสไซด์อินเวอร์สไทยแลนด์นะคะคุณชัดชัยหอมขจรค่ะผู้บริหารแบรนด์มาจิสตี้พรอพเพอร์ตี้เชฟบีพวินการโชคสินค่ะसेंट्रल पटाया जो फेस्टिवल मॉल है, मॉल में आज प्राइड शो चल रहा है। तो प्राइड शो मतलब जो LGBTQ++ है उन लोगों का शो हो रहा है। तो बाहर आप लोग देखा है और मैं अभी अंदर आया हूँ। अंदर आते ही नीचे दाहिने तरफ आप लोगों को मिलेगी फूड कोर्ट और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फूड कोर्ट में जो जितने सारे खाना है, खाना बहुत ही सस्ता में मिलता है पटाया में। और अगर आप लोग कोई भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो तो लगभग 100-150 जो भाट है एक फूड का प्राइस होता है। और यहाँ पे अगर खाओगे तो 50-60 इतना में ही आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग आगे का वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था जो टर्मिनल 21 में जो फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में मैंने खाना खाया था, उधर भी बहुत ही सस्ता है। ऐसा ही है, फूड कोर्ट में अगर खाना खाते हो तो बहुत ही सस्ते में मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे भी आके खाना खा सकते हो। तो ऐसे भी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए टाटा, चलो।